वीडियो मत बनाइए तुम। चुप रह। हेलो, गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे हो। ये मेरी मम्मी है, आज मैं अपनी मम्मी घर पे आई हूँ। मेरी मम्मी, मम्मी हेलो करो, सबको आशीर्वाद दो। ऐसे बोलना कि आप लोग खुश रहो। ऐसे हमको क्यों नए साल के तरफ हम पाई कर ऐसे बोलना कि मतलब अरे प्रियंका भाट हमका स्वाति को सबसे करी नहीं हमको बोले तब जाए के करी नंबर कौन नहान दो इन्हों वही रही शाम को तेरे से करा ये बेचारी आए कि करे से शाम को मैंने कर लिया था मैं अच्छा ही कर लिया थी मम्मी फ्रेंड लोग करी हूँ पैर छुई हूँ ये का बुलाए तब करे से मम्मी जो फ्रेंड लोग हैं उनसे मतलब जो हमारे जो दुनिया में लोग हैं अच्छे बुरे उन सबसे कर लेना नमस्ते। अच्छा अच्छा बोल दे राम राम, बोल दे राम राम, राधे राधे, राम राम, नहीं राधे राधे। अच्छा ठीक है। और ये रही मेरी सिस्टर, ये रही सोनी, और ये रही ओए, ये रहा मेरा भाई, हाय कर ले, हाय कर। ये रही मासी, ये रही प्रियंका। और मैं अभी आज आई हूँ मम्मी के घर, थोड़ा सा काम था। जैसा कि सोनी आई थी, सोनी को मैं लेने आई हूँ, और ऑफिस से निकलने के बाद मैं घर पे आ गई और सारे साइन कर दिया। यहाँ इस घर में सारे लोग बीमार पड़े, एक तरफ से ये बीमार पड़ी है, ये भी बीमार पड़ी है, और मम्मी तो बीमार है। मम्मी मेरी हमेशा ठीक रहती है, मम्मी को मेरे कुछ नहीं होता ना। मम्मी, मम्मी इधर देखना, मम्मी पप्पी इधर है। हम दो, हम माँ बेटी का प्यार है। हमारी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है ना मम्मी। क्यों हम लोग कैसे लग रहे हैं मम्मी के साथ में? मम्मी एक बार से मुस्कुरा दे। मैं मम्मी के घर से निकल चुकी हूँ और मम्मी मैं बैठी हूँ और सोनी ये बैठी हुई है और मम्मी वहाँ पे बहुत सबकी याद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो बस चली जाती हूँ थोड़ा टाइम के लिए, 5-10 मिनट का टाइम ही नहीं होता। जाऊँगी घर पे, बर्त काम करूँगी, फिर खाना बनाना होगा, फिर ये सब। अब देखो कब तक पहुँचती हूँ, ट्रैफिक पता ही है आप लोगों को दिल्ली के बारे में। मैं एसी वाली बस में बैठ गई थी दोस्तों, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी। फिर मैं उस बस से उतर करके फिर मैंने कैब बुक करा। अब मैं कैब में बैठी हूँ और अब मैं जाकर कुछ रिलैक्स फील कर रही हूँ, वरना मुझे मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मुझे लगा मुझे ऐसे कभी होता नहीं है प्रॉब्लम वॉमिटिंग की, लेकिन पहली बार ऐसा पता नहीं क्यों, शायद खाली पेट है। मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं था लंच में, प्रॉपर काम की वजह से, शायद उसकी वजह से पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। खैर अब तो ठीक हूँ, चल रही हूँ थोड़ा सा। अभी टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, अभी टाइम लगेगा पहुँचने में। अभी पहुँच के देखती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज नेक्स्ट डे हो गया। कल क्या हुआ था कि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्या है, उसके बाद ट्रैफिक में पता नहीं कि मैं शायद खाली पेट था, इस चक्कर में मेरा इतना वॉमिटिंग सी फीलिंग होने लगी कि आने के बाद मैं घर पे ब्लॉग नहीं बना पाई और मैं तुरंत सो गई। और फिर नेक्स्ट डे हो गया और मैं अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ई रिक्शे में बैठी हूँ और ई रिक्शे तक मेट्रो तक जाएगा, मेट्रो से फिर डायरेक्ट ऑफिस, फिर ऑफिस में जाकर फिर खाऊँ वाम यही सब। और आज तो ठंड काफ़ी कम है और बस। और आप लोग कैसे हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं कैसी लगती हूँ आप लोग भी बताइएगा मुझे, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, ठीक है। मैं इतना सा बोलना चाहूँगी बस, अभी मैं ऑफिस पहुँचती हूँ, अब देखो क्या होता है आज का दिन कैसे जाता है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरी शक्ल कैसे हो रखी है, और ये बोल भी रहे हैं, आज इनसे मिलाती हूँ आपको। हेलो कर लो, हेलो
ऐसे बोलते हैं? फिर कैसे बोलते हैं? मुझे सिखाओगे क्या कैसे बोलते हैं? हाँ हाँ अच्छा ऐसे बोलो, हाय फ्रेंड्स ऐसे बोलो, बोलो। और मैं अभी घर पहुंच गई हूँ इतने सब कुछ होने के बाद। पता है क्या हुआ आज? मैं आज सुबह नहा के नहीं गई ऑफिस, और तो मैं अभी नहाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि पानी देख पानी गरम गरम वो गीजर ऑन कर दिया है, पानी गरम हो रहा है और गरम हो जाएगा, फिर नहाऊंगी उसके बाद फिर मिल देखती हूँ क्या करना है। सोनी बोल रही है, सोनी अच्छा आप लोग बताया नहीं मैंने, सोनी आ गई है, सोनी सोनी आ गई है, हाय कर रही है। तो मैं गर्म पानी कर रही हूँ, जा रही हूँ नहाने, नहा के सोनी बोल रही कि चाची आप साग बना दो अपने हाथ से, फिर नहा के आती हूँ, फिर साग बनाऊँगी, फिर खाऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी। और ये हमेशा की तरह ये हीटर जलता नहीं है, और ये हमेशा की तरह इंजीनियरों की तरह बढ़ाते रहते हैं, डेली बनाना पड़ता है इसको, डेली डेली देखते हैं आज कब तक बनता है। बना वही वाला चाट, हाँ चाट मसाला जला नहीं, जला ये नहीं जलता है। अब इसका क्या हो गया कि अब ये ना सिर्फ जब नीचे रखा जाता है तब जलता है, अपने आप जलता है, ऊपर रखने से नहीं। देखो अब जल गया, देखो आप लोग जल गया, अगर इसको हम बेड पे रख देंगे तो नहीं जलेगा, क्यों क्या है बताओ? हाँ हाँ सही है, क्या क्या है क्या बताओ? नहीं नहीं अभी मत, चलो क्या होता है बात करो, पहले पहले हटाओ, अभी थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा सा हाँ पहले मुझसे बात करो, पहले अपनी शक्ल सूरत सही कर लो बाद में अपना बनाना वीडियो। चलो देख रहे हो क्या बोल रहे, बोल रहे पहले अपनी शक्ल सूरत सही कर लो फिर बाद में बनाना वीडियो, कोई कोई सी बात होती है? आप लोग बताओ फ्रेंडो, कोई सी बात होती है ये? चलो फिर मैं नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होगे मैं नहा लिया है और हीटर के सामने बैठी हुई हूँ, और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, जो कि अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहा है, और मेरे पति देव लगवा रहे हैं अपने, क्यों ना दिखाओ, पता उनको पता तो चले ना कि आप बूढ़े हो और मैं देखो यंग, मैं एक लड़की हूँ, देख रहे हो ये लगवा रहे हैं सोनी से अपने बालों में, हेयर कलर करवा रहे हैं, पार्लर जा नहीं सकते हैं, और इनके बाल बिल्कुल वाइट वाइट हो गए हैं और बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, ये लगवा रहे हैं। और हम लोग कहीं जाने के प्लानिंग कर रहे हैं, अब कहाँ जाते हैं ये लोग आपके लिए सस्पेंस है, और बने रहिएगा हमारे साथ, आपको सारी अपडेट मैं देती रहूँगी, हम लोग क्या करते हैं, कल कहाँ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मैं। और अब ये कहाँ जाऊँगी ये तो आपको वक्त आने पर बता दूँगी, बस बहुत ही जल्द हम जाने वाले हैं, और कुछ अच्छा ही प्लान है, कहीं अच्छी जगह सोचा हुआ है। देखो ये लॉकडाउन न लगे तो चले ही जाएंगे, और बाकी आप लोगों को पता ही है इस टाइम में कितनी हालत ख़राब हो रहा है हमारे इंडिया में, कितना ये बीमारियां फैल रही हैं, हमें इस टाइम में बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा अपना, हम अगर हम अपना केयर करेंगे इस नहीं करेंगे तो हमारे जो घर के बाकी लोग हैं हमारी वजह से उनको भी फैलेगा, और जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, जिनके घर में बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, उनको और ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा, प्रॉपरली मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें और हाथ धुलते रहिए, और हो सके बाहर मत जाओ, जब भी कोई काम हो, बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप लोग बाहर जाओ, नहीं तो ये इस टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, डेली नए नए अपडेट के केस बढ़ रहे हैं, और देखो क्या है लॉकडाउन लॉकडाउन, और फिर बस, और मैं चलती हूँ, कुछ खाऊंगी, पेट पूजा करूंगी, उसके बाद फिर सोना है, फिर सुबह उठ कर के फिर ऑफिस, बस यही ज़िंदगी है दोस्तों मेरी, और कुछ भी नहीं है, ऑफिस घर घर ऑफिस, मैं ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है मुझे, मैं सोचती हूँ मैं ऑफिस जा कर के आप लोगों के लिए कुछ बनाऊँ कुछ दिखाऊँ, बट ऑफिस में इतना काम होता है कि मैं लंच कर नहीं पाती, लंच करने का टाइम नहीं होता कि लंच कर लो, सोनी लंच करके पैक करके देती है, मैं लेके जाती हूँ वैसे वापस लेकर आ जाती हूँ, क्या सोनी वापस तो बस, और जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है अब तो मैं आप लोगों के सोचती हूँ कुछ बनाऊँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे,
और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगे, जिससे आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिले। और अगर आप लोगों से मुझे प्यार मिलेगा तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और इसकी वजह से मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगी और इसमें टाइम दूँ और वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। बस देख रहे हो कैसे बना लगा रहे ए, चलो एक शायरी बताओ, बोलो कितने बहुत कंजूस है, बहुत ज़्यादा, पार्लर जाते नहीं कि पार्लर जाके लगवा लूँ। देखो दोस्तों, इनकी एक ना उंगली टूटी हुई है, इन्होंने शादी मेरे से करी, धोखे से शादी करी इन्होंने मेरे से, हैं, इन्होंने मुझे बताया नहीं और शादी इन्होंने कर लिया मेरे से, छुपा क्यों लिए? अब कुछ बोलोगे आप? क्यों ये अप्रूव करना चाहते हो कि मैं जो बोल रही हूँ सब झूठ है? हैं, सबको पता है। अच्छा अच्छा, एक शायरी बोल दो दोस्तों के लिए, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना किसी के पास। आप दोस्तों के लिए कुछ बोलना चाहते हो, अपने अपने शब्दों में कुछ बयां करो। दोस्ती एक रिश्ता है, हाँ, दोस्ती एक रिश्ता है, जो निभाए वो फरिश्ता है। वाह 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 वाह, दोस्ती सच्ची रीत है, जुदाई जिसकी प्रीत है। वाह 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 वाह, दूर रहकर भी जो निभाए यही सबसे अच्छी दोस्ती की रीत है। वाह 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 वाह, क्या ये क्या बोल रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पता है समझ नहीं आएगा तो सही से मत बोलो, सही से बोलो ना। सॉरी बोलो, अब बोलोगे? बोल तो दिया, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड पॉलिट एनीबॉडी। जैसे चंपुक लग रहा, चंपुक 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 लग रहे हो पूरे पूरे, चंपुक है ना दोस्तों? सही बताइएगा आप कितने लोग मेरे से एग्री हो कि ये चंपुक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? कितने लोग एग्री हो आप मेरे से, मेरे साथ में? दिखाओ अपनी फोटो, दिखाओ अपनी फोटो। ए हट जाओ अभी, रुक जाओ, लगाने दो। क्यों लगाने दो? कहाँ जा रहे हो इतना सर धज के? ए सजनवा, अच्छा फिर दिखाओ पहले। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बोरिंग, कुछ बात ही नहीं करते हैं यार। मैं सोचती हूँ कुछ सीखे मेरे से, सीखते ही नहीं है कुछ, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ खाते ही नहीं है, मुझसे बात ही नहीं करते, बताओ मैं क्या करूं? चलो आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा ज़्यादा फनी कौन है हम दोनों में से, मैं या मेरे हस्बैंड, ठीक है? और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइएगा, अच्छा काम करिएगा, बुरा काम नहीं करना है, और अपना घर पे रहिएगा, कोशिश करिए घर पे रहो, बाहर मत जाओ बिना काम के, और अपना ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग और मैं आपको थोड़ी सी पसंद हो, आप प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गुड नाइट सोनी, गुड नाइट कर लो, गुड नाइट, गुड नाइट करो, गुड नाइट करो, ऐसे बोलते हैं? बोलो सही से, बोलो यार प्यार से, बोलो प्यार से, बोलो यार बोलो प्यार से, मुझे गुस्सा आ रही है, प्यार से बोलो, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।